हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चक दे विद नॉलेज। चक दे विद नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक चैनल जो करता है बैंक की बात और बैंकर्स की बात। और आज का वीडियो है रिटायरी स्पेशल वीडियो। वीडियो को शुरू से करने से पहले हमारा आपसे एक आग्रह, अगर आप रिटायरीज हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि रिटायरीज के सारे अपडेट हम अपने चैनल पर लाकर देते हैं। तो अभी कीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को कर दीजिए क्लिक। शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। नाउ लेटर डेटेड 8 फरवरी 2023 ऑफ ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन इज ऑन योर स्क्रीन एंड दिस लेटर इज रिलेटेड टू CLC मीटिंग हेल्ड ऑन 6th of Feb 2023 ऑन GMIS। ऑन द फर्स्ट पेज वी विल नॉट डिस्कस मोर बिकॉज द हु हैज अटेंडेड द मीटिंग, व्हाट इज द AIBRF, व्हाट दिस इज अपेक्स बॉडी, इट टेक केयर फॉर द पेंशनर, दिस ऑल दीज थिंग्स आर गिवन, सो जस्ट इग्नोर द फर्स्ट पेज। वी आर कमिंग टू द सेकेंड पेज नाउ। इन 2015 मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर एम्प्लॉयज वाज एक्सटेंडेड टू द रिटायरीज ऑन द सेम टर्म एंड कंडीशन अवेलेबल टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज and the premium was to be borne by the retirees. During 2015-16, 16-17 and 2017-18, first 3 years premium chargeable under employee policy and retiree policy was kept identical and informed. यानी कि पहले 3 साल में जो प्रीमियम एम्प्लॉयज को लगता था वही रिटायरीज को लगता था। और अगर आप इससे अमाउंट की बात करें तो ये था 4,930, 10,452 और उसके अगले साल भी सेम 3 लाख की पॉलिसीज के लिए बैंक एम्प्लॉयज और रिटायरीज के लिए। अगर हम 4 लाख की पॉलिसी की बात करें तो ये 6,573, 13,935 था। इन द नेक्स्ट स्टेप द क्लेम सेटलमेंट रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज एंड द रिटायरीज हैड बी डिस्कस्ड दैट इट वाज डिफरेंट फॉर बोथ। इन 2018-19 देयर वाज इंक्रीज ऑफ 75% फ्रॉम ₹10,452 to ₹18,301, वाइल एम्प्लॉयज प्रीमियम इंक्रीज वाज ओनली 11% फ्रॉम ₹10,452 to ₹11,613। यानी कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के में इंक्रीज हुआ 11% का, वहीं रिटायरीज के में इंक्रीज हुआ 75% का 2018-19 में। रिटायरीज का प्रीमियम एकदम से 10,452 से बढ़ा करके 18,301 कर दिया गया, और अगर एम्प्लॉयज की बात करें तो सिर्फ 10,452 से 11,613 हुआ। ये बात हुई तो 3 लाख रुपये की। अगर हम 4 लाख रुपये की बात करें, इन केस ऑफ 4 लैक्स प्रीमियम बाज इंक्रीज फ्रॉम ₹13,935 to ₹15,483 इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, एंड इन केस ऑफ रिटायरीज रिटायरीज हैज टू पे 18,300 - 11,613, दैट इज ₹6,688 एडिशनल अमाउंट फॉर द 3 लैक्स पॉलिसी एंड ₹8,917 बिकॉज दे हैव टू पे 24,400, सो द इंक्रीज बाय 8,917 फॉर द रिटायरीज। इन 2022-23 रिन्यूअल रिटायरीज आर रिक्वायर्ड टू पे एडिशनल अमाउंट फॉर ₹15,254, यानी कि उन्हें 15,254 एडिशनल अमाउंट देना पड़ रहा है। और अगर 4 लाख की पॉलिसी की बात करें तो उनको 21,314 रुपये का एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ रहा है। उसके बाद बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस समझाई गई हैं कि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ रिटायरीज परेशान हैं, जिनकी पेंशन 25,000 से भी कम है, स्थितियां बहुत ख़राब हैं, उनका एज बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत सारे इशूज डिस्कस किए गए हैं अगले पॉइंट में। इन केस ऑफ एम्प्लॉयज पॉलिसी इट कवर्स द सेल्फ स्पाउस एंड ऑल द डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स, एंड इन केस ऑफ रिटायरीज इट कवर्स ओनली द रिटायरी एंड स्पाउस, इवन द हैंडीकैप चिल्ड्रन ऑफ द रिटायरीज आर नॉट कवर्ड। यानी कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के केस में उनके सभी डिपेंडेंट, चाहे वो माता पिता हों या बच्चे, सभी कवर हैं, लेकिन रिटायरीज के केस में सिर्फ और सिर्फ स्पाउस कवर्ड है। बहुत सारा प्रॉब्लम है जो अगला भी डिस्कस किया गया है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट अपडेट बता रहे हैं। तो नेक्स्ट शुरू करते हैं अगली स्क्रीन। इन रिप्लाई IBA सेड दैट IBA डज नॉट हैव एनी मैंडेट फ्रॉम बैंक्स टू निगोशिएट डिस्कस विद रिटायरीज एसोसिएशन। सब जीरो कर दिया, यानी कि IBA को कोई भी मैंडेट ही नहीं है रिटायरीज एसोसिएशन के साथ डिस्कशन करने का। द स्कीम वाज एक्सटेंडेड टू रिटायरीज ऑन ऑप्शनल बेसिस,
सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ प्रीमियम, यानी कि उन्होंने कहा है कि ऑप्शनल था, करो या मत करो। उसके बाद एक जजमेंट कोर्ट का है, उसकी फालतू की बात की गई है। अगले में क्या है कि AIBRF कोई भी सिग्नेचर ही नहीं है सेटलमेंट में, फिर वो क्यों डिस्कस करे IBA से। इसके बाद कहते हैं कि ये मैटर क्लोज कर दिया जाए CLC द्वारा। उसके बाद AIBRF ने बताया कि सभी रिटायरीज परेशान हैं, उनके अंडर में ही आते हैं, और जब रिटायरीज की जो यूनियन है वो निगोशिएशन नहीं करेगी तो कौन निगोशिएशन करेगा, ये गलत है। जो बेनिफिशरी हैं उनकी यूनियन को ही निगोशिएशन करना चाहिए। और जो IBA कह रहा है कि ये सब ऑप्शनल है, वो सब फालतू की बात है, उसका मतलब तो IBA चाहता है कि भैया जो लेना है इसी तरह से लो, नहीं तो लो लो। और अपना पूरा डिससेटिस्फेक्शन AIBRF ने दिखाया। आफ्टर हियरिंग द पार्टी CLC हैज नॉट एक्सेप्टेड रिक्वेस्ट ऑफ IBA टू क्लोज द मैटर। CLC decided to hold further discussion on AIBRF representation. IBA and DFS were asked to submit written response on the points covered under AIBRF rejoinder. Next date of hearing is fixed on 13th of March 2023. यानी कि 13 मार्च 2023 को फिर से मीटिंग आयोजन की जाए, ऐसा CLC का कहना है, और दोनों अपने रिटर्न स्टेटमेंट दें, IBA भी और AIBRF भी। यानी कि कुछ भी नहीं हुआ, कहीं ना कहीं IBA चाहता ही नहीं है कि कुछ हो। अगर आप देखेंगे इस पूरे सर्कुलर में तो AIBRF रहा है मुद्रा में, गुजारिश की में, वो कंटिन्यूसली भीख सी मांग रहा है, लेकिन IBA जो है वो कुछ नहीं करना चाह रहा, बेकार IBA।